हालेलुया, स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। भेद किस पर जाहिर होते हैं, जैसा कि दानियल की पुस्तक अध्याय 2 उसके 47 आयत में लिखा है, फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों को खोलने वाला है, इसीलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज भी अपने नबियों पर, अपने लोगों पर अपने भेदों को जाहिर करता है, लेकिन परमेश्वर अपने भेद उसी पर जाहिर करता है जो उसके साथ वफादारी और पवित्रता के साथ चलता है और जिसका परमेश्वर के साथ मजबूत संबंध होता है। मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल में दानियल के बारे में पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि कैसे परमेश्वर ने अपने भेदों को उस पर जाहिर किया। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। उसका परमेश्वर के साथ मजबूत संबंध था और वह परमेश्वर के साथ पूरी वफादारी और पवित्रता के साथ चलता था। इसीलिए जब राजा नबूकदनेस्सर के सपने का अर्थ कोई भी ना बता पाया, तो राजा ने दानियल को बुलाकर पूछा और दानियल ने राजा के सपने का अर्थ फल समेत बता दिया। मेरे प्रियो, किसने दानियल पर उस सपने का अर्थ जाहिर किया? उस सपने का अर्थ यहोवा परमेश्वर ने उस पर जाहिर किया। लेकिन ये सिर्फ एक बार प्रार्थना करने के द्वारा नहीं हुआ था, बल्कि दानियल की एक आदत थी कि वह हर रोज दिन में 3 बार परमेश्वर की हजूरी में जाता था और परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वह परमेश्वर के साथ पूरी तरह से वफादार था और इसीलिए परमेश्वर ने उस पर राजा के स्वप्न का अर्थ जाहिर किया और उसे ऊंचा किया। आज लोग परमेश्वर से भेदों को तो लेना चाहते हैं, लेकिन पाप नहीं छोड़ना चाहते, नशे नहीं छोड़ना चाहते, सिर्फ आशीषित होना चाहते हैं, लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ना चाहते। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पवित्र बनो जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, क्योंकि आपकी पवित्रताई और वफादारी आपको वहाँ लेकर जाती है जहाँ आपने कभी सोचा भी नहीं होता। और जब आप लगातार ऐसी ही पवित्रताई में, वफादारी में, प्रार्थना के साथ परमेश्वर में बढ़ते हैं, तो परमेश्वर एक दिन अपने नबियों के द्वारा, सपनों के द्वारा आपसे भी बात करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे, तो आज ही पापों को छोड़कर परमेश्वर के सामने माफी मांगे और दानियल की तरह परमेश्वर के वचनों पर चले। तब परमेश्वर आप पर भी अपने भेदों को जाहिर करेगा, आपसे बात करेगा और आपको ऊंचा और आशीषित करेगा। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपने सब गुप्त पापों को छोड़कर आपके साथ पवित्रताई और वफादारी के साथ चलूंगा और आपके नाम को ऊंचा करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।